Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English grammar class, and today in this class we shall discuss our 7th chapter adjective. बच्चो आज की वीडियो में हम आपका ग्रामर का चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके सेकेंड टर्म में भी आएगा. सो नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर 7 एडजेक्टिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है हमें पता होना चाहिए. लिखा तो ये एडजेक्टिव है लेकिन इसे पढ़ेंगे एडजेक्टिव, यानी इसका मतलब होता है विशेषण. विशेषण माने जो किसी की विशेषता बताता है उसे बोलते हैं हम विशेषण. तो आज हम बात करेंगे विशेषण के बारे में. तो नाउ लेट्स बिगिन, आओ शुरू करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ एडजेक्टिव इन योर डे टू डे लाइफ. एंड एडजेक्टिव इज ऑफ्टन डिफाइंड एज अ वर्ड used with a noun or pronoun. It shows us how the characters is doing seeing, eating or playing. Means today माने आज we are going to look an importance of adjective. हम जो है adjective के महत्व को पढ़ने जा रहे हैं. Day to day life, हमारे जो हमारा प्रतिदिन जो हमारा जो रूटीन है जो हमारा जीवन है उसमें जो हम दिन प्रतिदिन कार्य करते हैं उसमें adjective का महत्व क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. An adjective is often defined as a word used with a noun or pronoun. यानी एक adjective वह शब्द है जो किसी noun या pronoun की विशेषता बताता है, उससे पहले आता है. It show us how, ये हमें बताता है the character is doing seeing कि वो कैसे देख रहा है, eating कैसे खा रहा है, playing माने कैसे खेल रहा है, किस तरीके से वो खेल रहा है. सारी बातें हमें adjective noun या pronoun के बारे में बताता है, उसकी विशेषता है हमें बताता है. एडजेक्टिव डेफिनेशंस, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. यानी एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी संज्ञा नाउन के अर्थ की हमें विशेषता बताता है. समथिंग टू मीनिंग ऑफ नाउन, यानी नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताता है कि नाउन हमारा कैसा है. सपोज फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, रोहन वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. रोहन एक जो है होशियार होनहार स्टूडेंट्स छात्र है. तो स्टूडेंट्स कैसा है वो है ब्रिलियंट. तो ये ब्रिलियंट जो वर्ड आया है ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि विशेषता बता रहा है स्टूडेंट्स की. नंबर टू एग्जाम्पल, सीता सेंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. सीता ने एक बड़ा ही सुंदर ब्यूटिफुल सॉन्ग मीन्स गाना गाया. तो गाना उसने कैसे गाया, सुंदर एकदम अच्छा. तो ब्यूटीफुल विशेषता किसकी है, सॉन्ग की यानी गाने की. ब्यूटीफुल क्या हुआ, ब्यूटीफुल यहाँ पर हो गया हमारा एडजेक्टिव. इन द अबव सेंटेंस ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल आर एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन्स स्टूडेंट्स और सॉन्ग्स. यानी यहाँ पर जो ब्रिलियंट है जो ब्यूटीफुल है वो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं क्योंकि वो विशेषता बता रहे हैं छात्र की और गाने की. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के कुछ प्रकार भी होते हैं, इसे अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है. नंबर वन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी माने जो जो किसी की विशेषता बताए उसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी का मतलब विशेषता होता है. द एडजेक्टिव ब्रेव, क्लाउडली, ऑनेस्ट, बिग, ब्यूटिफुल टेल अस ऑफ वट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग. सच एडजेक्टिव आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. यानी जो किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, किसी वस्तु की विशेषता बता रहा है, जैसे कोई बहादुर है, कोई ईमानदार है, कोई बड़ा है, सुंदर है, ये सब वर्ड क्या है, ये हमारे सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं. जैसे राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा एक सुंदर लड़की. तो लड़की कैसी है, वो सुंदर है. तो विशेषता बता रहा है गर्ल की यानी राधा की. तो ब्यूटीफुल क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ऐसी मनोहर इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट मैन. मनोहर क्या है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है. तो ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव. यहाँ कुछ एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज ए, ये आपको अपने आप फिल करनी है. इसके नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे. अब हम बात करते हैं नंबर टू, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा. क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा दिखाना, कम है या ज्यादा है, उसे बोलेंगे हम मात्रात्मक विशेषण. मैनी, मच, लिटिल, सम, एनी, इनफ, होल, सफिशिएंट, टेल अस हाउ
हाउ मैनी ऑफ अ थिंग इज इंटेंडेड, यानी ये जो वर्ड है मैनी माने बहुत हो गया, मच माने भी बहुत होता है, लिटिल माने कुछ, सम माने कुछ, ये सारे जो वर्ड्स हैं, सम एनी इनफ माने पर्याप्त, फुल माने संपूर्ण, सफिशेंट माने होता है पर्याप्त, ये हमें बताते हैं कि वस्तु कितनी है, वस्तु के बारे में ये उसकी मात्रा को बताते हैं, कम है या ज्यादा है। जैसे सच एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये सब एडजेक्टिव कहलाते हैं क्वांटिटी यानी मात्रात्मक, ने हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम नहीं गिन सकते उन्हें बोलते हैं क्वांटिटी। एग्जाम्पल, इट इज इनफ फॉर मी, यानी यह मेरे लिए काफी है, इनफ का मतलब काफी या पर्याप्त, तो इनफ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऐसे ही डिड नॉट ईट एनी ब्रेड, उसने कोई भी ब्रेड नहीं खाया था, तो एनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज, फिल इन करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपकी एक्सरसाइज आपको फिल करनी है, बाकी इसके जो एक्सरसाइज के जो आंसर हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। नाउ वी आर टॉकिंग नंबर थर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, द एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर माने संख्या, संख्या जो हम गिन सकते हैं यानी संख्यात्मक विशेषण। द एडजेक्टिव ऑल, मैनी, सेवरल, फाइव, सम, फर्स्ट, मोस्ट, शो हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स देर आर और इन वाट ऑर्डर एनी ऑफ देम स्टैंड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी ऐसे शब्द जो गिनती में आते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं हम संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, मोस्ट मैन हैव टू वर्क हार्ड फॉर देयर लिविंग, मीन्स मोस्ट मैन यानी अधिकतर व्यक्ति, यानी व्यक्तियों को हम गिन सकते हैं, मोस्ट मैन हैव टू वर्क हार्ड फॉर देयर लिविंग यानी अपने जीवन के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैड 5 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में 5 रुपीज हैं, रुपीज यानी उसकी संख्या कितनी है, 5, तो 5 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, माई पॉकेट। तरह इसकी एक्सरसाइज है यहाँ पर, एक्सरसाइज के बाद हम नंबर 4 की बात करते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसे बोलते हैं संकेत वाचक विशेषण जो किसी की तरफ इशारा करता है। एडजेक्टिव्स दिस दैट दीज दोज, ये सब क्या है, इशारा करते हैं किसी और की तरफ। दैट पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग्स आर मीन्ड आर कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति की तरफ किसी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं उनके लिए हम दिस और दैट दीज दोज का यूज करते हैं। दिस और दैट ये आते हैं सिंगुलर के लिए, दीज और दोज बहुवचन के लिए। दिस पास के लिए, इस आता है पास के लिए, दैट आता है दूर के लिए। सपोज एग्जाम्पल है, दिस हॉर्स इज माइन, यह घोड़ा मेरा है, यह घोड़ा मेरा है, तो ये दिस इशारा कर रहा है घोड़े की तरफ, तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। शी लिव्स ऑन दैट हिल, वह इस पहाड़ी पर रहती है, तो दैट हिल यानी दैट का मतलब दूर के लिए आता है, तो उस पहाड़ी पर रहती है, तो दैट इट्स अ डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस एक्सरसाइज में आपको जो है अंडरलाइन करनी है कि कौन से आपके डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में दिस आपका डिमोन्स्ट्रेटिव है, दूसरे में दोज है, तीसरे में दैट, चौथे में कौन सा है, चौथे में भी दैट, पांचवे में आपका जो है दिस। नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण करना, बांटना, तो इसी से बन गया है वितरित नामक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, विच शो दैट द पर्सन और थिंग आर टेकन वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी इसके अंदर मोस्टली ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आते हैं, जो प्रत्येक, इसका मतलब प्रत्येक का मतलब होता है, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इन वर्डों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं क्योंकि इनमें जो है कोई वस्तु को बांटा जाता है या कोई वस्तु के बारे में, एक के बारे में बात की जाती है। जैसे एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट देयर, प्रत्येक लड़का यहाँ उपस्थित था, प्रत्येक में एक एक की बात हो रही है। ऐसे आइदर मैन विल डू, आइदर मैन विल डू यानी ये आदमी इसे करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
ऐसे आपको इसमें छाटने हैं, एक्सरसाइज ई में अंडरलाइन करनी है किस पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जो आप आराम से कर सकते हैं। नंबर सिक्स में बात करेंगे हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना, यानी ऐसे वर्ड जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं वो आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। जैसे वर्ड्स विच आर यूज विद नाउंस टू आस्क क्वेश्चंस, यानी जो सवाल पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए शब्द आते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और कॉल इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे व्हाट, व्हिच, हुज एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, वह किस तरह का आदमी है। हुज पेन वाज स्टोलन, किसका पेन चुराया था। तो हुज माने किसका, व्हाट माने क्या भी होता है, तो ये वर्ड और हुज क्या है, ये आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। आपको एक्सरसाइज एफ में इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ढूंढने हैं। जैसे फर्स्ट में आ गया आपका विच, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। सेकंड में हुज, थर्ड में व्हाट, फोर्थ में भी व्हाट, और फिफ्थ में हाउ, ये आपके क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेवन, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी पर अधिकार जमाना, पजेसिव का मतलब, तो इसे हम बोल सकते हैं अधिकारात्मक विशेषण। वर्ड्स विच आर यूज विद नाउंस टू डिनोट पजेशंस आर कॉल्ड पजेशन एडजेक्टिव, यानी ऐसे शब्द जो अपना अधिकार किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर दिखाते हैं उन्हें हम, उन शब्दों को पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे माई मिस मेरा, योवर मिस तुम्हारा, हिज मिस उसका, हर मिस उसका, अवर मिस हमारा, योवर मिस तुम्हारा, देयर मिस उनका, एटसेट्रा। यानी ये ऐसे शब्द हैं जो अपने, इन्हें हम अपने की अंग्रेजी भी कह सकते हैं, जो अपने के लिए यूज होता है। जैसे माई काउ गिव अस मिल्क, मेरी गाय गिव अस मिल्क, हमें दूध देती है। तो गाय किसकी है, मेरी है, तो मेरा अधिकार किस पर है, इस गाय पर। योर ड्रेस, तुम्हारी ड्रेस इज ब्यूटिफुल, बड़ी सुंदर है। तो ड्रेस किसकी है, उसकी, तुम्हारी। ये सब जो सारे वर्ड्स हैं ये आपके आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव में। एक्सरसाइज जी आपको फिल करनी है, अपने आप फिल करनी है। अब पहले आप अपने आप फिल करेंगे, फिर से समझेंगे किस तरह से ये फिल हुई। चलो एक्सरसाइज भी समझते हैं। अंकल गेव मी अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, यानी अंकल ने मुझे एक सुंदर गिफ्ट दिया। तो यहाँ पे मी आ रहा, तो हम मी के का सब्जेक्ट आई यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी आई सब्जेक्ट होता है और आई के साथ अपने के लिए माई आता है, तो हम यहाँ लगा सकते हैं माई अंकल। अलाउ मदर, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, यहाँ भी माई आएगा। फिर रेस्पेक्ट, हमें सम्मान करना चाहिए टीचर्स, अध्यापकों का, किसके, अपने, तो अपने के लिए, अपने की अंग्रेजी वी के साथ आती है, अवर। वी रेस्पेक्ट आवर टीचर्स। आई विल श्योरली कम इन, तो आई विल श्योरली कम इन, मैं जरूर आऊंगा किसकी शादी में, तुम्हारे भाई की शादी में, तो हम यह लगा सकते हैं योर ब्रदर्स मैरिज। माई पेरेंट्स हैव गेन फॉर, मेरे पेरेंट्स जो है जा चुके हैं, कहाँ जा चुके हैं, मेरे पेरेंट्स अपने ऑफिस में जा चुके हैं, तो अपने के लिए यहाँ यूज कर देंगे हम देयर, क्योंकि ये बहुवचन है, ये हम अपने के लिए यहाँ लगाएंगे देयर। ठीक है बच्चों, यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर के नोट्स भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। आप सभी को इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।